क्लास 11 का ये यूनिट सेकंड देख रहे हैं आप। दो पार्ट का यूनिट है ये पहला पार्ट इसमें ऊष्मागतिकी ही है, इसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऊष्मागतिकी क्या है। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा ये है जिसमें ऊष्मा और ताप की अभिधारणा, ठीक है, तथा या एवं ऊष्मी ऊर्जा का अन्य प्रकार से ऊर्जाओं में पारस्परिक रूपांतरण, यानी ऊष्मा और ताप के अभिधारणा शो करते हैं, ऊष्मी ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में पारस्परिक रूपांतरण की इसमें हम विवेचना करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर उसकी गणना करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें ऊष्मा ताप अभिधारणा बनाई जाए, ऊष्मा ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण की विवेचना की जाए, उसको हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। एक बात का याद रखना चाहिए कि यह पदार्थ की स्थूल प्रकृति को शो करता है। यानी अगर प्रकाश की स्थूल प्रकृति में ये ऊष्मागतिकी प्रभावी होता है, ठीक है। अब ऊष्मागतिकी निकाय क्या है? ऐसा निकाय जिसमें अणुओं की संख्या अधिक हो, यानी अणु हो, यानी गैसी स्टेट कह लीजिए आप पदार्थ की गैसी अवस्था को, ऐसा निकाय जिसमें अणुओं की संख्या अधिक हो तथा प्रत्येक अवस्था को ताप, दाब और आयतनों में व्यक्त किया जा सके, ठीक है ना। यानी उसकी अवस्था, जैसे बहुत सारी अवस्था बनेंगी, उस अवस्थाओं में वो ताप, दाब और आयतनों के पदों में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय सिस्टम। जैसे पिस्टन में भरी गैस, ये एक ऊष्मागतिक निकाय है। अब देखते हैं कि ऊष्मागतिक चर, ठीक है, वे प्रांजल या चर सूत्र भी कह सकते हैं, है ना, जो किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को व्यक्त करते हों, है ना, उसकी अवस्था को क्या करते हैं, व्यक्त करते हों, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिक चर, ठीक है। ऊष्मागतिक चर में जो ताप है, दाब है, आयतन है, ये मुख्य ऊष्मागतिक चर कहे जाते हैं। यानी इनकी सहायता से उनकी अवस्थाओं को हम व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भी उसकी आंतरिक ऊर्जा है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, यानी शोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा, आंतरिक ऊष्मा, ये भी ऊष्मागतिक के एक चर हैं, ठीक है। अब देखते हैं अवस्था समीकरण। किसी भी निकाय को, यानी ऊष्मागतिक निकाय को, ताप, दाब और आयतन के संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण जो होंगे, यानी किसी निकाय का कोई अवस्था हम शो कर रहे हों, उसमें ताप, दाब, आयतन का एक संबंध बने या संबंध बनाने वाले समीकरण बने, उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक समीकरण। होगा किसका? निकाय का। इसमें एक सूत्र हो गया पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ एन है मोल की संख्या, पी है आपका दाब, और भी आयतन है, ये परम ताप है, गैस है, इसीलिए परम ताप लिया जाता है, इस डिग्री सेंटीग्रेड ताप यूज नहीं होता, और ये आदर्श गैस नियतांक है। अब एक चीज और देखते हैं, तापीय साम्य। तापीय साम्य क्या है? जैसे अगर हम दो वस्तु ले रहे हैं, एक वस्तु ले रहे हैं और एक और वस्तु ले रहे हैं, है ना, दो वस्तु हमने लाया और इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया, और संपर्क में लाने के बाद इसमें ऊष्मा स्थानांतरण ना हो, यानी ऊष्मा का मूविंग जीरो हो, तो ऐसे दोनों वस्तुओं को जिनके संपर्क में लाने से ऊष्मा संचरण बंद हो जाए, स्थानांतरण बंद हो जाए, उससे हम कहते हैं कि दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में है, है ना। अगर तापीय साम्य नहीं है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कम और अधिक ताप वाली वस्तु है,
तो दोनों ऊष्मा का आदान प्रदान करके, यानी एक द्वारा निष्कासित ऊष्मा को दूसरी वस्तु अगर ले ले, तो उस अवस्था में दोनों का धीरे धीरे ताप इक्वल हो जाएगा, ऊष्मा स्थानांतरण रुक जाएगा। जब ऊष्मा स्थानांतरण रुक जाएगा तो वो दोनों वस्तुएं तापी सामने आ जाएंगी। तो किन्हीं दो वस्तुओं को जो ताप वाली हों एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए और दोनों वस्तुओं का ऊष्मा का आदान प्रदान यदि रुक जाए या ना हो तो कहा जाता है कि दोनों वस्तुएं तापी सामने हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी में सबसे ज़्यादा ऊष्मागतिकी नियम का उपयोग हुआ जो आप देख रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। इसमें क्या था कि ऊष्मागतिक का नियम चार बताया गया। एक है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी या सोनी कोटी का नियम। दूसरा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, उसको अलग अलग हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि शून्य कोटि का नियम क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इस नियम में ये कहा गया कि जब दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के साथ अलग अलग तापी सामने हों, मतलब दोनों वस्तुएं एक तीसरे वस्तु के साथ उसके ताप के अगर बराबर हों, है ना, या तापी साम्य हों, तो दोनों वस्तुएं भी तापी साम्य होंगी। जैसा हमने एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, ए वस्तु का ताप टी ए है, बी वस्तु का ताप टी बी है और सी वस्तु का ताप टी सी है। यदि ऐसा हो कि टी ए का मान यानी ए वस्तु का ताप सी वस्तु के ताप के बराबर हो और बी वस्तु का ताप सी वस्तु के बराबर हो ताप के, तो ए और बी दोनों का ताप भी समान होगा। इसे हम कहते हैं शून्य कोटि का नियम। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के साथ अलग अलग तापीय साम्य हों तो दोनों वस्तुएं भी तापीय साम्य होंगी, परस्पर दोनों वस्तुएं भी क्या होंगी, तापीय साम्य होंगी। इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम। ठीक है, थोड़ा और एक चीज़ देखते हैं। इसमें खास करके यही गणना हो रही है, कार्य ऊष्मा की तुल्यता। ये पूरा चैप्टर कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। इसमें क्या है कि 1849 ईस्वी में जूल ने ये कंडीशन फॉलो किया या ये कहा कि ऊष्मा और कार्य दोनों एक ही भौतिक राशि है, एक ही भौतिक राशि होती है, मतलब दोनों का काम एक ही है या दोनों में परिवर्तन हो सकता है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो इसमें W बराबर GQ आया, या W जो होगा वो कार्य के प्रोपोर्शनल होगा, जिसके कारण ये कांस्टेंट एक आ जाएगा J, जिसे कहते हैं कार्य ऊष्मा गुणांक। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कार्य ऊष्मा गुणांक कहते हैं, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, यानी जो ऊष्मा है उसकी यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्शन है। जो जे का मान है वो 4.2 है या 4.18 जूल प्रति कैलोरी, और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक मान है। तो जे का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कैलोरी, इसकी बीमा नहीं होगी क्योंकि दोनों ही सेम राशियां हैं। ठीक है, कार्य ऊष्मा में अंतर क्या है ये जानना चाहिए आपको। कार्य ऊष्मा में क्या अंतर है, ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है। ठीक है, अब इसका दूसरे गुण में आपको समझ में आएगा कि क्यों अव्यवस्थित है। कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में चेंज कर सकते हैं, जैसे हाथ को अगर हम रगड़ें तो धीरे धीरे हाथ गर्म होने लगता है यानी ऊष्मा कन्वर्ट होने लगती है, जबकि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदल सकते। कुछ न कुछ ऊष्मा इधर उधर खर्च हो जाएगी और परिवेश की वजह से घटती बढ़ती रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस चैप्टर में। इसमें हमने पढ़ा
ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, ऊष्मागतिक चर क्या है, अवस्था समीकरण क्या है, तापी साम्य क्या है, और उसके ऊष्मागतिकी के चार नियम जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्रथम कोटि नियम, शून्य कोटि नियम, द्वितीय कोटि नियम और तृतीय नियम, फिर जीरो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में यानी शून्य कोटि के नियम में हम पढ़े कि जब दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के साथ अगर तापी साम्य हैं तो दोनों वस्तुएं भी परस्पर तापी साम्य होंगी। फिर हमने आपसे बताया कि कार्य और ऊष्मा की तुल्यता क्या है और किसने दिया, 1849 ईस्वी में जूल ने दिया, और एक ऊष्मा कार्य गुणांक का नियतांक दिया जो किसी भी ऊष्मा को कार्य में कितना मान होगा, और ऊष्मा का कार्य अगर चेंज करेंगे तो ऊष्मा क्या होगी। ठीक है, ये आपको हमने दिया, इनका मात्रक दिया, मान दिया, और कार्य ऊष्मा में अंतर बताया कि ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है और जबकि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है। कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल सकते हैं और ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदल सकते। धन्यवाद।